इसी तरह मीरान भी तुम्हें कभी नहीं चाहेगा। गोनल, अच्छा तो तुम हो, मीरान कहाँ है? क्यों पूछ रही हो? वो अभी तक रियान के पीछे है। रियान को तलाक दे दी लेकिन मीरान अभी तक रियान के पीछे है। नहीं जानता। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, क्या सोच रहे हो जानती हूं, लेकिन मैं फिर भी मीरान से बात करूंगी। मेरा मतलब है तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि अगर जरा से भी उम्मीद बाकी है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, हार नहीं मानूंगी। प्लीज गोनल, समझने की कोशिश करो। अब मीरान किसी दूसरी औरत से मोहब्बत नहीं कर सकता। यही हाल मेरा है फिरात। ठीक है, जानता हूं तुमने बचपन से ही मीरान को देखा है। गोनल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी आ सकता है? तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। तुम्हें किसी के सहारे की बिल्कुल जरूरत नहीं, मीरान की भी नहीं। फिरात, तुम्हें भाई समझती हूं अपना। तुम्हारा मशवरा कीमती है लेकिन अपना मशवरा अपने पास रखो। अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। अपने ही घर में खुशामदीद बेटी, बहुत अच्छा फैसला किया। जब मेरी छत के नीचे होती हो तो मैं बहुत सुकून महसूस करती हूँ। ये छत आपकी नहीं, मेरे बाबा की है। मैं अपने बाबा के घर वापस आई हूँ। जो तुम्हें सही लगे। अभी तक मुझे समझ नहीं पाई ना, आपको लगता है मैं नकारा हूँ? आपको लगता है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन नहीं, मैं कुछ नहीं भूली, ना तो कफन, ना ही आपके नंगे पांव, और ना वो गार्ड्स जिन्होंने हमारा रास्ता रोका। गोनल, हमेशा की तरह आप मुझे अब भी अहमियत नहीं दे रही। कोई बात नहीं, मैं आपके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं सुनना चाहती, बल्कि किसी के मुंह से कुछ भी नहीं सुनना चाहती। क्योंकि जब भी कोई कुछ कहता है, या तो मुझसे ताल्लुक तोड़ लेता है या मुझे खामोश करा देता है। मैं आपकी तरह इस तरह की कोई चाल नहीं चलूंगी दादी जान।